प्यारे बच्चों मैं वीरेंद्र शर्मा आपके लिए लेके आया हूं कैलेंडर का एक बच्चे बहुत ज्यादा अलग अलग दिए हैं दोपहर सुनिएगा तारीख महीने और साल तीनों अलग अलग दिए हैं, हैं तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था क्या लिखा है यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था यह आपसे पूछा गया है ध्यान से देखिए बच्चे आपको दिया है 10 नवंबर 2018 को क्या दिया है सैटरडे दिया है तो पूछ रहा है 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में अगर आप इसको ध्यान से देखें आपको महीने तारीख और साल तीनों अलग अलग दिए हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हम छोटा सी एक छोटी सी अप्रोच लगाते हैं अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं बच्चे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं महीने और तारीख अलग मान लेते हैं और साल अलग दो पार्टों में हम इसको डिवाइड करते हैं अगर मैं इधर की वैल्यू इक्वल मान लूं यानी कि महीने और दिन को मैं इग्नोर कर दूं वो साल की बात करूं तो 2017 से 18 तक जाने में हमें एक साल लगेगा क्या 17 से 18 तक कोई लीप ईयर है नहीं बच्चे कोई भी लीप ईयर नहीं है इसका मतलब यहां ओड डे क्या होगा एक होगा अब बताइए ये ओड डे प्लस होगा या माइनस आपको 2018 का दिन दिया है 17 का निकालना है पीछे जाना है तो इस एक को क्या करेंगे बच्चे माइनस कर देंगे इस एक को क्या करेंगे बच्चे माइनस कर देंगे अब देखिए बच्चे अगर मैं साल को इक्वल मान लू तो ये क्या है तारीख और महीने हैं। ऐसा मैंने आपको कराया है दूसरी टाइप में तो यहां हम दूसरी टाइप यूज करेंगे क्या है और टाइप ध्यान से देखिएगा अगस्त अगर मैं साल बराबर मान लू तो एक साल के अंदर अगस्त और नवंबर में सबसे पहले क्या आएगा बच्चे अगस्त आएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर मैंने आपको बताया था जो पहला महीना होता है उसमें हमने शेष दिन लेने हैं यानी कि बचे हुए दिन लेने हैं जो आखिरी महीना होता है उसमें हमें गिवन डेट लेनी है बच्चे ये मैं आपको बता चुका हूं ध्यान से देखिएगा अब देखिएगा अगस्त कितना है पंद्रह अगस्त इकतीस का होता है सोलह दिन बचे हैं सोलह को सात से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा दो सितंबर दो अक्टूबर तीन अगर मैं नवंबर की बात करूं दस नवंबर है सात से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना बचेगा तीन अब इन सभी को ऐड करते हैं ध्यान से सुनना तीन और चार कितना हो गया सात अब बच्चे आपको दस नवंबर का दिन दिया है आपको पंद्रह अगस्त का निकालना है पीछे जाना है तो इस तीन को क्या करेंगे बच्चे माइनस करेंगे ध्यान से देखिएगा और एक, तो ये हो जाएगा माइनस चार तो आप सेटरडे में क्या करेंगे टोटल दोनों को ऐड करके माइनस चार और जब आप सैटरडे में से माइनस चार करेंगे तो प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा ट्यूजडे आपका आंसर क्या रहा होगा ट्यूजडे रहा होगा क्लियर है चलिए एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं ध्यान से देखिएगा दिया है यदि 15 अगस्त ध्यान से सुनिएगा 15 अगस्त 2010 को क्या माना है बच्चे मंडे माना है तो आपसे कह रहा है 27 मई 2018 को कौन सा दिन रहा होगा फिर देखिएगा आपको क्वेश्चन में साल महीने और दिन तीनों अलग अलग हैं, तो इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे अगर मैं इधर की वैल्यू इक्वल मान लूं तो 2010 से 2018 तक जाने में मुझे आठ साल लगे हैं और कोई भी साल है दुनिया का उसमें एक ओडे होता ही होता है चलिए बच्चे 10 से 18 में कितने ईयर बने हैं सर बारह आया होगा सर सोलह आया होगा तो एक लिपियर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो आठ दो दस और इस दस को सात से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे क्या बचेगा तीन बचेगा और डे हमारा कितना आया तीन आया अब बताइए मंडे में ये यहां से तीन को प्लस करें या माइनस बच्चे दस का दिन दिया है अठारह का निकालना है तो हम यहां क्या करेंगे प्लस तीन करेंगे अब देखिएगा वही महीने अगर मैं यहां सभी साल को इक्वल मान लू तो यहां पहले मई आएगा फिर जून आएगा फिर जुलाई आएगा और प्यारे बच्चे फिर क्या आएगा अगस्त आएगा अब ध्यान से देखिएगा मई सत्ताईस मई है कितने दिन बचे हैं चार दिन बचे हैं जून दो होगा जुलाई थ्री रहा होगा पंद्रह अगस्त सात से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा बच्चे एक बचेगा अब ध्यान से देखिएगा अगर मैं यहां से क्वेश्चन करूं चार और तीन क्या हो गया सात के मल्टीपल में है कितना बचा सर बचा इस तीन को प्लस करें या माइनस प्यारे बच्चे आपको पंद्रह अगस्त दो का दिन दिया है आपको 27 मई 2018 का निकालना है पीछे जाना है पीछे के लिए क्या करेंगे माइनस तीन करेंगे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो आपका दिन क्या रहेगा मंडे ही रहेगा आपका दिन क्या रहेगा प्यारे बच्चे मंडे ही रहेगा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मुझे आशा है इस क्वेश्चन का जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर देंगे धन्यवाद